सागर, आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में तीन जंगली बिल्लियाँ रहती थी। वे प्रतिदिन एक दूसरे से महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करती रहती थी। उन बिल्लियों में से एक का रंग था श्वेत, दूसरी का श्याम और तीसरी का भूरा, यानी मैं। एक दिन श्याम रंग वाली बिल्ली ने गर्व से बोला, मेरा रंग तो सबसे उत्तम है क्योंकि मैं छिपकर वार कर सकती हूँ। उसने श्वेत रंग वाली बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा रंग तो कितना प्रतिकूल है क्योंकि अंधेरे में तुम्हें कोई भी पकड़ सकता है। यह बात सुनकर श्वेत रंग वाली बिल्ली ने इठला कर कहा, मेरा रंग तो स्वच्छता और शांति की पहचान है। बहस इतनी बढ़ गई कि भूरी बिल्ली को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है, बिल्लियाँ बनाने से पहले भगवान ने मिट्टी के पुतले बनाए थे और उन्हें एक एक करके आग में तपाया था। पहले प्रयास में वह ज्यादा पक चुका था और उसका रंग बना श्याम। दूसरे प्रयास में वह अधपका रह गया और उसका रंग बना श्वेत। तीसरे प्रयास में उनका अनुभव ठीक रहा और उस तीसरी कृति का रंग बना भूरा। भूरी बिल्ली ने दोनों बिल्लियों को समझाया, श्वेत, श्याम और भूरा तो केवल रंगों के नाम हैं। हमें रंगों को महत्व ना देते हुए व्यक्ति के गुण, स्वभाव और चरित्र को महत्व देना चाहिए क्योंकि यह हमें दूसरों से विशिष्ट बनाते हैं। बिल्लियों ने एक साथ मिलकर कहा, एकता का किला सबसे सुरक्षित होता।